आज हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब उसकी एनाटॉमी क्या है और उसके फंक्शंस क्या रहेंगे। एनाटॉमी के अंदर हम देखते हैं कि इसके 9 मेजर ग्लैंड्स आती हैं और जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और सेक्रीट करती है हॉर्मोन्स को, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थाइमस, ओवरीज, टेस्टिस भी बोल देते हैं साथ में उसके, जो फीमेल्स में ओवरीज रहती हैं, ठीक है, और पैंक्रियास, नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स आ जाती हैं और इनका अलग अलग रोल हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। जैसे हाइपोथैलेमस है जो बॉडी का टेम्परेचर है, प्रेशर है, हार्ट रेट है, उसको मेंटेन करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करेंगे, हॉर्मोन्स जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए उनको प्रोड्यूस करेगा। पीनियल ग्लैंड्स जो हैं वो मेंटेन करती हैं प्रोडक्शन को, जो हमारे बॉडी के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। थायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो थायरोक्सी हॉर्मोन्स जो हैं तीन, उनको रेगुलेट करने में, बॉडी की एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हॉर्मोन सेक्रीट करती है फॉर द कैल्शियम अब्सॉर्प्शन। थाइमस ग्लैंड जो है वो रोल प्ले करती है इन द एबिलिटी टू फाइट द डिसीजेस। ओवरीज एंड टेस्टोस्टेरोन्स जो है प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजेंस एंड टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगी। पैंक्रियास जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प आउट करता है, और जबकि एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को रिएक्ट करती हैं, एड्रेनालिन एंड कोर्टिकोल जो हॉर्मोन्स हैं उसको रिलीज करने के बाद। तो ये सारे कौनस को अलग अलग ग्लैंड्स के नाम है और उसके साथ ही उनके क्या फंक्शंस हैं उसको हमने एक बार फास्ट रिव्यू करा है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को। ऐसे बाकी रिव्यूज देखने के लिए और पूरा डिटेल के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।